Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So, aapki jo chapter hai, chapter number 7, aapki history books se, is Civilising the Native, Educating the Nation. Isko hum pura continue karte hain sare topics ke saath. Hamara next topic aata hai, the agenda for a national education. Ab do mindset the aapko yaad rakhna hai, ek tha eastern mindset, ek tha western mindset. Eastern yani ki Indian education, western yani ki British education. ठीक है, so यहाँ पे सबसे पहला point पढ़ते हैं. Those who wanted this idea, like the idea of Western education, grow for modernization, and those who were against of it, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. ठीक है, so यहाँ पे दो जो दो mindset चल रहे हैं, एक है Eastern education, एक है Western. तो Western में ये बताया गया कि अगर Western यानी कि European तरीके की studies चलेंगी ना भारत में तो क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा, लोग ज्यादा सिविलाइज हो पाएंगे, साइंटिफिक ट्रेड कॉमर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनकी अच्छे से हो पाएगी. ठीक है, और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर थे जो इसके खिलाफ थे कि नहीं, हमारा लोकल कल्चर प्रिजर्व रहना चाहिए और हमारी सारी की सारी जो इंडिया से फेमिलियर सब्जेक्ट्स है वो ही पढ़ा देने चाहिए. तो दो माइंडसेट चल रहे थे दोस्तों. ठीक है, अब आते हैं English education has enslaved us. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो English education है ना हमारी, उसने हमें बंदी बना दिया है, उसने हमें enslave कर दिया है. ठीक है, बाध्य कर दिया है. ठीक है, so first point पढ़ेंगे, the western civilization is poisoning us. Soul and mind should be developed. We should not compromise with our culture. अब ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं. ये इनके इसके खिलाफ खड़े हुए थे कि हमारा लोकल कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व रखना चाहिए, किसी और ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश सब्जेक्ट, यूरोपियन सब्जेक्ट को नहीं आने देंगे भाई हम. ठीक है, और क्या बोला था कि सोल एंड माइंड का लिटरेट ज्यादा होना जरूरी है, ना ही नॉलेज आनी जरूरी है. यानी कि जब तक आपका जो अंदर की जो सोल नहीं होगी, जो दिमाग नहीं होगा वो प्योरली लाइक प्योर नहीं रहेगा और आपके कल्चर से जुड़ा नहीं रहेगा, आप जिससे फेमिलियर है उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, और कोई अलग से आ जाता है तो इतना जल्दी ध्यान नहीं लगता है. एक एग्जांपल लीजिए कि आपके यहाँ पे आप अपनी मम्मी के हाथ से कितनी जल्दी खाना खा लेते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये चाय वाले भैया हैं ना, इनके हाथ से खाना खा लो, आप खा लोगे क्या? नहीं खाओगे ना, क्योंकि आप उनसे फेमिलियर नहीं हो. माँ है, माँ तो फेमिलियर है आपसे, आपसे जुड़ी हुई है. तो सब्जेक्ट्स जो है ना, जैसे हिंदू, संस्कृत, जो इस्लामिक सब्जेक्ट्स थे और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स थे उसमें, फिर भूगोल, गणित, इन सब चीजों से हम लोग ज्यादा क्या थे, ज्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन यूरोपियन स्टडीज से नहीं थे कनेक्टेड. इसके खिलाफ थे हमारे महात्मा गांधी जी. स्टूडेंट स्टॉप्ड गोइंग टू कॉलेज इन द ऑर्डर ऑफ महात्मा गांधी. लाइफ यानी लाइफ एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट. अब प्रैक्टिकल नॉलेज, अब इंसान बुक से हटके अपने बाहर के वातावरण में झांकता है ना, तो ही उसे मेन नॉलेज आती है. ठीक है, सो सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज जरूरी नहीं होती है. हमें अच्छे से रहना है, क्या क्या खाना चाहिए, किस चीज को नहीं छूना चाहिए, गंदा है, हमें ये चीज पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, सब तो हमें प्रैक्टिकली समझ आता है ना, लाइव देख के समझ आता है. क्योंकि वो लाइव जो होता है वो दिमाग पढ़ लेता है, दिमाग लाइव चीजों पर ज्यादा जल्दी गौर करता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ने महात्मा गांधी के ऑर्डर पर कॉलेज जाना बंद कर दिया. हम यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत आप देख रहे हैं, हमारा ये जो है मुस्लिम है, हिंदू है, भाई भाई, भरतनाट्यम है, पंजाबी का भांगड़ा है भाई, और देखिए हमारे यहाँ कितने अलग अलग तरीके के त्योहार बनते हैं, संगीत है, मैं क्या ही बताऊं, इतने कल्चर है ना हमारे इंडिया में, इतने धर्म है, कल्चर है, और भाई बहुत टेस्टी टेस्टी मिठाइयां भी मिलती है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी मिलता है. सो हम अपने कल्चर को कैसे छोड़ दे भाई, हम अपने कल्चर को कैसे जाने दे, कोई ब्रिटिशर आ, कोई ब्रिटिश आ रहे हैं हमारे एजुकेशन को ऐसे हटा देंगे क्या? सो इसके लिए उसके बाद क्या था, हमने जैसे मैंने बताया कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो नोवेलिस्ट है और उन्होंने पोएट्रीज लिखी हैं, बहुत से गाने सुंदर सुंदर लिखे हैं, अकेला चलो रे ये जो गाना है वो उन्होंने लिखा था. इवन हमारा भाई, हमारा नेशनल एंथम
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। सो टैगोर्स अबोड ऑफ पीस पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, शांति निकेतन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1901 वेयर चिल्ड्रन कैन एंगेज विद देयर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन इन पीस। सो यहाँ पे बेसिकली ये बात बोली गई है कि शांति निकेतन, जहां पे ये देख रहे हैं ना, ये शांति निकेतन है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैचू लगा हुआ है, बड़ी हरियाली। अगर आप कभी कलकत्ता जाएंगे तो आप देखेंगे शांति निकेतन कैसा है। 1901 में एस्टैब्लिश हुआ था, जहां एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर को ना स्कूल जाना नहीं पसंद था। जब उनको कोई टीचर पढ़ा रहा होता था तब उनका ध्यान कहीं और ही चला जाता था। तो उसके बाद जब वो बड़े हुए, उन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो कितने लाइक इनोसेंट बच्चे हैं, खूबसूरत से बच्चे हैं, उनको इतना ज्यादा लाइक प्रैक्टिकल, इतना सीरियस पढ़ाई क्यों दी जा रही है, उनको मस्ती खेल कूद ऐसे ऐसे तरीके से पढ़ाई कराई जाए जो उनको बहुत जल्दी ग्रास्प करे वो लोग, यानी कि उससे जल्दी से फेमिलियर हो जाए। तो नेचर में बैठ के पढ़ाना चाहिए और हंसी मजाक करना चाहिए, और बहुत लाइक खेल कूद में भी पढ़ाई होती है भाई, और बहुत जल्दी बच्चे ग्राप करते हैं ना। सो उन्होंने ये बोला कि बच्चे का क्रिएटिविटी अंदर से बाहर आना चाहिए, टीचर्स को समझना चाहिए बच्चे को, इसलिए शांति निकेतन को बनाया गया, जो कोलकाता के भीड़ भड़क्के वाले शहर से कहीं दूर बनाया गया था। डिबेट स्टिल कंटिन्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लर्निंग। अभी भी भाई इंडिपेंडेंस जब हमें मिल गया ना, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भाई ये चलता आ रहा है कि ईस्टर्न अच्छा है कि वेस्टर्न अच्छा है, ठीक है। हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए या फिर हमें फ्रेंच को पढ़ना चाहिए, जर्मन को हमें सीखना चाहिए। अब कहीं कहीं पर सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट्स होते हैं भाई, जैसे मेरे स्कूल में तो था बंगाली और संस्कृत में, तो मैंने संस्कृत को चुना क्योंकि मुझे संस्कृत बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। अब आपके या फिर आपके दोस्त के स्कूल में होगा जर्मन एंड फ्रेंच, तो कहते रहते कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर स्टैचू में इतनी तरीके से अच्छी तरीके से तो दिख नहीं रहे हैं, तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट होता है, एंड उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।